नमस्कार, मैं अमित चंदुगला, हिमाचल एक्सप्रेस पालमपुर। आज हम ब्लॉक पंचरुखी के साथ लगती ही एक पंचायत ग्राम पंचायत टैल वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत ही रोचक बात देखने को मिल रही है। लोगों ने ग्राम पंचायत टटैल की प्रधान के समक्ष शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पंचायत में सोलर लाइट आई हुई है, मगर वो लोगों के घरों में अवैध रूप से लग रही है। जो लाइटें कि सार्वजनिक स्थलों पे लगनी थी, मगर सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, सभी नियमों को दरकिनार करते हुए पंचायत के कुछ प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने अपने घरों में निजी रूप पर सरकारी लाइटें जो लगा रही हैं, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उनमें भारी रोष है। उन्होंने पंचायत प्रधान से इस बारे में शिकायत की है। तो आइए हम बात करते हैं पंचायत प्रधान से, और उसके बाद हम बात करेंगे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने प्रांगण में जो लाइट लगाई हुई है, उनका भी पक्ष रखेंगे कि सच्चाई क्या है। ये हैं ग्राम पंचायत टटैल की प्रधान श्रीमती ज्योति ठाकुर जी। ज्योति ठाकुर जी, आपका हिमाचल एक्सप्रेस में स्वागत है। बताइए, आपकी पंचायत में जो आज शिकायत पत्र आया हुआ है और उसमें लोगों ने आरोप लगाया है कि आपकी पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो अपना निजी लाभ लेने हेतु जो सोलर लाइटें आई हुई हैं उनको लगा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये लाइट कैसे लगी है और क्यों लग रही है? क्या इसकी आपको क्या जानकारी है और इसके क्या प्रावधान है? जो लाइट लगती है तो क्या वो जो प्रतिनिधि होते हैं उनको निजी लग सकती है या नहीं लग सकती है? हमारे को पूर्ण रूप से इसकी जानकारी बताएं। ना तो हमारे पास कोई लाइट आई है और ना ही हमने कोई लाइट लगाई है। हम सारी पंचायत को नहीं पता किस विभाग से लाइट आई है। अच्छा, पंचायत का इन लाइटों से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रधान जी, ये जो अभी हम आप पूरी पंचायत के साथ अपने पूरे प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके जो पंचायत के प्रतिनिधि या वार्ड मेंबर हैं, जिनका नाम है रमेश चंद सरियाल जी, इनके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया हुआ है कि ये जो सरकारी लाइट है, जो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, उनके प्रांगण में लगी हुई है ये लाइट है, ये जो लाइट है ये सरकारी लाइट है और इस लाइट का जो पैसा है वो सरकार का है, और नियमों के मुताबिक कोई भी आदमी सरकारी चीज को अपने निजी आंगन में निजी घर पे नहीं लगा सकता है। तो क्या ये सही है या गलत है? ये तो गलत है। कोई भी ये आंटे एमपी हेड से आई हैं, कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल घर के लिए लाइट नहीं लगा सकता। अगर ये एमपी हेड से आई तो सार्वजनिक स्थलों पर ही लगेगी। तो क्या ये जो लाइट लगी तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? हमें कोई जानकारी नहीं थी। आपके बिना जानकारी से ही लाइट लग गई है? हाँ जी। तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और जिन लोगों ने शिकायत की हुई है उनको आप इस शिकायत का निवारण जो है वो कैसे करेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, पंचायत का कोई रोल नहीं है। अभी हम बात करते हैं, ये थे प्रधान ज्योति ठाकुर जी। अब हम बात करते हैं जिन जो की वार्ड मेंबर हैं, नाम है इनका रमेश चंद जी। अभी पूरी पंचायत प्रधान, उप प्रधान और आप खुद इस पंचायत के वार्ड मेंबर हैं, आपके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा हुआ है कि आपने सरकारी लाइट, सरकारी धन से खर्च करके एक सोलर लाइट जो सार्वजनिक स्थान पे लगनी थी उसको अपने निजी आंगन में लगा दिया है। आपका इसमें क्या कहना है? क्या ये सही है या गलत है? आप अपना संदेह, अपना मत जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। सर, इसमें हमें कोई ये बारे में जानकारी नहीं है कि किसने ये लाइटें भेजी है और कहाँ से आई है, कौन लगा के चला गया है। अच्छा, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जो मेरी पर्सनली लाइट थी मैंने ली है, तो मैंने वो चौराहे पर लगाई है। अच्छा, तो अभी जो आपके ऊपर पंचायत के कुछ पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, मगर पंचायत के जो लोग हैं, जो यहाँ के बसिंदे हैं, 20-22 लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके एक रिपोर्ट आपके विरुद्ध दी है कि आपने जो ये लाइट है जो आपके घर के आंगन में, ये देखो सामने आपके आंगन में लगी हुई है, वो अवैध रूप से लगाई है। क्या आप इस चीज को ये लाइट है जो कि इनके आंगन में लगी हुई है, इनका निजी मकान है, ये कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है जिसमें लाइट लगी है, मगर इनका खुद कहना है, इनका मानना है कि इस लाइट को बिना मेरी अनुमति से इंस्टॉल किया हुआ है, इनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि अगर ये लाइट मेरी जानकारी के अनुसार लगाई होती और मुझे इसके बारे में पता होता कि ये सार्वजनिक स्थल पे लगती, तो शायद मैं कोशिश करता इसको सार्वजनिक स्थल पे लगाता, मगर
आप देखना ये पड़ेगा कि इस लाइट को कैसे जो है किसी के निजी घर में लगाया हुआ है, जिसका कि ग्राम पंचायत टटैल के लोगों में भारी रोष है। कंपनी या सरकार के धन के ऊपर जो खर्चा करके लाइटें आ रही है, ये कैसे किसके घर में लगाई जाती है, जबकि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर पंचायत प्रतिनिधियों को इसके बारे में पता नहीं है तो आम जनता को इसके बारे में क्या पता होगा। अभी ये तो देखना होगा आगे कि इस बारे में, इस संदर्भ में हिम ऊर्जा के अधिकारी कर्मचारी है वो क्या बात करते हैं। मगर सरकारी धन का अगर ऐसे ही दुरुपयोग होता रहा तो हम आम जनता को इसके बारे में क्या बोल सकते हैं।